नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो 25 मई 1998, कितना, 25 मई 1998 में इसकी स्थापना की गई। गठन एक स्वायत्त शासी अनुसंधान और संस्थान के रूप में किया गया था इसका। ठीक है, इसका गठन एक स्वायत्त शासी अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में किया गया था। इसका केंद्र आपका गोवा में है। ये आपका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य बातों की बात करें, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की मुख्य बातों की बात करें तो यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इसको अंटार्कटिका के में भारत के स्थायी स्टेशन मैत्री एवं भारती के रख रखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ध्रुवीय अनुसंधान के सभी विषयों के अनुसंधान करने के लिए मैत्री 1989 और भारत भारती 2011 में स्थापना की गई थी इनकी। ठीक है, संस्थागत ढांचे की बात करें, NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की गवर्निंग काउंसिल में 12 सदस्य शामिल हैं जो ध्रुवीय और समुद्री विज्ञान अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में देश के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नियोजन, प्रशासन और कामकाज की समग्र जिम्मेदारी निदेशक पर होती है। अनुसंधान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और निवेश प्रदान करने के लिए एक अनुसंधान सलाहकार समिति है। वार्षिक बजट, वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने, लेखा परीक्षा की समीक्षा और व्यय की समीक्षा सहित इसके सभी वित्तीय मामलों में दिशा निर्देश 7 सदस्यीय वित्त समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये था आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में। ठीक,